जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू डेसिमल्स। इस क्वेश्चन 2 में हम फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे डेसिमल्स में। तो इसके पहले ये वन पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 1/25 इक्वल ब्लैंक। इस 1/25 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम 1/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें पहले हम लिखेंगे 1/25। अब ये कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होगा, इसके नीचे देखें डिनोमिनेटर 25 है। इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, यानी कि 1 के साथ 00 हो डिनोमिनेटर में, तो वो हम डायरेक्ट ही डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये डायरेक्ट डेसिमल में नहीं कन्वर्ट होगा, तो पहले हम इस डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे। 10 नहीं बनेगा तो ये फिर 100 बन जाएगा। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर ये 100 बन जाएगा। तो ऊपर वाला नंबर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है हमने। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। 1 को 4 से, तो 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 25 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 100 बन जाएगा। अब ये 4/100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखें, नीचे 2 0 हैं और ऊपर पॉइंट के आगे भी 2 नंबर आने चाहिए, लेकिन ऊपर नंबर 1 है। तो लेकिन हम इसमें पहले 4 से पहले 0 लगाएंगे, फिर इससे पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 1 के साथ जितनी 0 हों पॉइंट के आगे नंबर भी उतने ही होने चाहिए। ये पॉइंट के आगे 2 नंबर बन गए, तो 2 ही 0 थी। अब इससे पहले हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर आएगा 0.04। अब ये डेसिमल आंसर हम इस फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे 0.04। अब इसी तरह ही हम इसका ये सेकंड पार्ट करेंगे। ये भी हम पहले 3/20 लिखेंगे, 3/20। अब इसके भी डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 नहीं है, यानी कि 1 के साथ 0 नहीं है, तो पहले इसको भी नीचे 10 या 100 बनाएंगे। तो ये 10 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 100, यानी कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। ऊपर वाला नंबर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो 3/5 = 15 ऊपर आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, 100। अब इसको हम डेसिमल में लिख देंगे। देखें नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका लिख देंगे 0.15। इसी तरह पॉइंट के आगे नंबर भी 2 आ गए और 2 ही 0 थी। अब ये आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे, सेकंड ब्लैंक में 0.15। अब ये थर्ड पार्ट को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये भी पहले हम लिख देंगे 2 होल 2/5। अब इसके भी देखें डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको हम 10 बना देंगे, ये 10 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा, ऊपर वाला नंबर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इनका आंसर लिखेंगे तो ये होल ऐसे ही रहेगा, 2 होल 2 होल, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 2 = 4 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 5 2 = 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखें नीचे 1 के साथ 1 0 है, तो ऊपर नंबर भी 1 है, तो इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4 के पहले, तो ये वाला होल नंबर ऐसे ही रहेगा, ये पॉइंट से पहले आ जाएगा होल 2 पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या आएगा, ये 4 4 आ जाएगा। अब ये डेसिमल आंसर है 2.4। ये 2.4 कहाँ लिखेंगे, इस थर्ड ब्लैंक में 2.4। अब इसी तरह ये 4 पार्ट में भी ये मिक्स्ड नंबर है, 6 होल 3/5, जैसे ये मिक्स्ड नंबर था 2 होल 2/5, इसी तरह ही हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये भी पहले हम लिखेंगे 6 होल 3/5। अब इसके भी नीचे क्या है, 5। अब ये 5 को हम 10 बना देंगे, ये 10 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, ऊपर वाला नंबर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका आंसर लिखेंगे तो ये 6 होल ऐसे ही रहेगा, 6 होल, और ऊपर क्या बन जाएगा, 2 3 = 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 5 2 = 10। अब इसमें देखें 1 के साथ 1 0 है, ऊपर नंबर भी 1 ही आई है 6, तो इससे पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये होल पॉइंट से पहले आ जाएगा, 6 होल, ये पॉइंट से पहले लिखेंगे, 6 के आगे पॉइंट आ जाएगा और इसके आगे ये ऊपर वाला 6 लिख देंगे, 6। अब इसमें ये डेसिमल आंसर हम इस फोर्थ ब्लैंक में लिखेंगे, 6.6 6.6। अब ये 5 पार्ट में भी हम 9/50 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें 9/50 लिखा है, अब ये नीचे 1 के साथ 0 नहीं है, ये 50 है, इसको भी हम पहले 100 बनाएंगे, क्योंकि ये 10 भी नहीं बनेगा,
50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 100 बन जाएगा, 52 100। अब ऊपर वाले 9 को भी मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 से। अब इन दोनों के आंसर लिखेंगे हम। अब ये बन गया 18/100। 1 के साथ कितनी जीरो हैं, 2, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो इन 2 से पहले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ ये 1 के साथ आएगा, यहाँ इसका आंसर आएगा 0.18। तो क्या आंसर आएगा, 0.18। अब ये वाला आंसर हम ब्लैंक में लिख देंगे, 0.18 0.18।